वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिलन वाइन फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोग्नोसी के टॉपिक कार्डियोटोनिक कैटेगरी के ड्रग्स पर, जैसे डीएटेलिस अर्जुना के कुछ एमसीक्यूज पर, जो कि आपके ऑनलाइन एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मिलन वाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर टू की कार्डियोटोनिक कैटेगरी की ड्रग्स की, जिसमें दो ड्रग्स आती हैं कार्डियोटोनिक्स में। एक आती है डीजिटेलिस, एक आती है अर्जुना, जिनके हम एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके ऑनलाइन एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ड्रग जो है हमारे डीजिटेलिस है। डीजिटेलिस कम्स अंडर द ग्रुप ऑफ, मतलब जो डीजिटेलिस है वो किस अंडर से ग्रुप में आती है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो है ए हमारा, स्टेरॉल्स और कार्डियोग्लाइकोसाइड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा सिनोनियम्स ऑफ डीजिटेलिस इज, मतलब सिनोनियम्स क्या है डीजिटेलिस का, ये आपको पता ही होगा। इसका जो राइट आंसर है वो बी है, फॉक्स ग्लोव लीव्स। क्या है? फॉक्स ग्लोव लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीजिटेलिस से, व्हाट इज द बोटनिकल नेम ऑफ द डीजिटेलिस। जो डीजिटेलिस का जो बोटनिकल नेम होता वो होता हमारा डीजिटेलिस परपूरिया। क्या होता? डीजिटेलिस परपूरिया। राइट आंसर इसका सी है, डीजिटेलिस परपूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ डीजिटेलिस, मतलब बायोलॉजिकल सोर्स क्या डीजिटेलिस का। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, लीव्स ऑफ डीजिटेलिस परपूरिया। क्या है? लीव्स ऑफ डीजिटेलिस परपूरिया। राइट आंसर बी। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, डीजिटेलिस बिलोंग टू विच प्लांट्स फैमिली, मतलब जो फैमिली है डीजिटेलिस की वो क्या होगी, देख लीजिए एक बार। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी, स्कैरो फुलरेसी। क्या है? स्कैरो फुलरेसी। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द डीजिटेलिस। तो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं डीजिटेलिस में, राइट आंसर ए है इसमें, परपूरिया ग्लाइकोसाइड्स ए एंड बी। इसके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो डीजिटेलिस में प्रेजेंस होते हैं, परपूरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड बी। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीजिटेलिस यूज टू ट्रीट, मतलब जो डीजिटेलिस ड्रग्स होती है उसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, ये आपको मैं बता दूं। राइट आंसर ओ, पहले ए की बात करते हैं, सुपर वेंटिकुलर ट्रेकार्डिया, बी कंजेस्टिव ट्रेट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स, एंड सी अटेरियल फ्लेटर्स, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। मतलब जो डिजिटली ड्रग्स होती है हार्ट को ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ की जाती है, मतलब जो हार्ट होता है उसमें ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, जैसे हमारा सुपर वेंटिकुलर ट्रेकार्डिया में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स में, और आर्टेरियल फ्लूटर्स में। इसके राइट आंसर डी है, ऑल ऑफ द एबव। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल टेस्ट फॉर द डिजिटेलिस, मतलब जो केमिकल टेस्ट हैं डिजिटेलिस के कौन कौन से फॉलो करते हैं। जैसे ए हमारा किलर किलानी टेस्ट फॉर द डिजिटॉक्सिस, बी है हमारा लीगल टेस्ट, सी है हमारा बलजेट टेस्ट, डी हमारा ऑल ऑफ द टेस्ट। मतलब ये डीजिटेलिस को फॉलो करते हैं जो केमिकल टेस्ट होते हैं। इसका राइट आंसर जो है डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ लीगल टेस्ट फॉर डीजिटेलिस। जो फाइनल रिजल्ट होता है लीगल टेस्ट का वो कैसा होता है डीजिटेलिस का, वो होता हमारा राइट आंसर ए, पिंक और रेड कलर इज प्रोड्यूस। मतलब जो लीगल टेस्ट करेंगे हम डीजिटेलिस के साथ, तो कैसा करेगा, पिंक और रेड कलर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। राइट आंसर इसका ये है, पिंक और रेड कलर इज प्रोड्यूस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, परपूरिया ग्लाइकोसाइड ए ऑन एंजाइम हाइड्रोलिसिस गिव्स, मतलब जो हमारा परपूरिया ग्लाइकोसाइड्स ए होता वो एंजाइम के साथ हाइड्रोलिसिस के साथ जो गिव कलर देता वो कैसे देगा, गिव कलर हाइड्रोलिसिस गिव्स जो करेगा वो करेगा हमारे बी। राइट आंसर इसका बी है, डिजिटॉक्सिन और डिजिटॉक्सीजेनिन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस गिव्स करेगा डिजिटॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सीजेनिन के साथ।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग्स की, जो कि आपकी नेक्स्ट ड्रग्स रहेगी अर्जुना। आपकी ड्रग जो रहेगी नेक्स्ट अर्जुना। चलो अर्जुना के अब एमसीक्यूज देखते हैं। हमने अभी पीछे डिस्कस किया डीजेटेलिस ड्रग्स के, अब हम बात करेंगे अर्जुना के। मतलब जो कार्डियोक्स ड्रग कैटेगरी की ड्रग्स होती है, उसमें दो ड्रग्स ही आइडेंटिफाई की गई हैं, एक डीजेटेलिस एक अर्जुना। अब अर्जुना की बात करेंगे हम। व्हाट इज द सिनोनियम्स ऑफ द अर्जुना। अर्जुना का जो सिनोनियम्स होता है वो राइट आंसर बी है, आपको पता ही होगा। अर्जुना वार्क ही अर्जुना का सिनोनियम्स होता है। क्या होता? अर्जुना वार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फैमिली ऑफ द अर्जुना। अर्जुना की फैमिली आपको पता ही होगा, राइट आंसर इसका सी है, कुम्ब्रेटेसी। क्या है? कुम्ब्रेटेसी। राइट आंसर इसका सी, कुम्ब्रेटेसी अर्जुना की यह फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अर्जुना। अर्जुना का जो बायोलॉजिकल सोर्स है ये आपको पता ही होगा, राइट आंसर इसका ए, ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ द टर्मिनिला अर्जुना। ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है टर्मिनिला अर्जुना। ये किसका सोर्स है बायोलॉजिकल सोर्स? अर्जुना का टर्मिनिला अर्जुना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन विच ग्रुप अर्जुना इज क्लासिफाइड। मतलब जो अर्जुना है उसको किस ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए, हाइड्रोली सेवल टेनिन। क्या है? हाइड्रोली सेवल टेनिन, राइट आंसर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द यूजेस ऑफ द अर्जुना। अर्जुना का जो यूजेस क्या होता है वो होता है हमारा कार्डियोटोनिक्स में होता है, एंटी डाइसेंट्री में होता है, डायरिटिक्स में होता है, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इसका डी है फ्रेंड्स। जो अर्जुना का यूजेस होता है वो कार्डियोटोनिक्स में होता है, एंटी डाइसेंट्री में होता है, डायरिटिक्स में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? डी है, ऑल ऑफ द अबव। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कार्डियो कैटेगरी की ड्रग्स की अर्जुना के। अर्जुना कंटेन अबाउट 15% ऑफ टैनिक हाइड्रोलिसेवल्स। मतलब इसमें ये पूछा गया है जो अर्जुना कंटेन होता है वो कितने परसेंट होता है टैनिक हाइड्रोसेवल में, वो आपको मैंने इसमें शो कर दिया है। वो होता हमारा 15%। कितना होता? 15% होता। फ्रेंड्स आज के लिए इतने काफ़ी, बहुत जल्दी चैप्टर 3 की बात करेंगे हम। आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।